नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स ने करीब 25 टीमें तशकील देकर आज DCP वेस्ट जोन श्री ए वेंकटेश्वर राव IPS की निगरानी में अपने ही बहुत सारे इलाकों की छानबीन करते हुए ओवर स्टे हो जाने वाले बैरूनी अफराद की चेकिंग का एहतमाम किया और इस तरह से करीब 55 बैरूनी अफराद का पता लगाया जो कि सूडान, सोमालिया और नाइजेरिया से ताल्लुक रखते हैं और उनमें से 10 अफराद FRRO एक्ट के कसूरवार भी साबित होने की बात बताई। इन सभी अफराद को मल्लपल्ली में वाकई फंक्शन हॉल में लाया गया और उनकी काउंसलिंग करते हुए उन्हें भारतीय कानून के तहत यहां रहने की तलखीन की गई। DCP श्री ए वेंकटेश्वर राव ने इसकी इत्तला आज मीडिया को दी। इस मौके पर टास्क फोर्स के एडिशनल DCP श्री एस चैतन्य कुमार और ACP आसिफ नगर श्री अशोक चक्रवर्ती भी वहां मौजूद थे। आज वेस्ट जोन लिमिट्स में जो ओवर स्टेट फॉरनर्स का वेरिफिकेशन कर रहे थे, पूरा वेस्ट जोन लिमिट्स में 5 पुलिस स्टेशन में ज़्यादा है, अराउंड 280 तक फॉरनर्स ओवर स्टेट फॉरनर्स या हैं बोलते हैं इंटरनेशनल। इसी वजह हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस से अपना टास्क फोर्स और स्पेशल ब्रांच एंड FRRO का कोऑर्डिनेशन से पूरा 25 टीम्स फॉर्म करके एरिया में भिजाए थे। उसमें हम अभी तक 55 को वायलेटर्स जो मेजर वायलेशन 55 वायलेशन्स 55 पर्सन्स को वायलेशन था वो पूरा लोगों में पूरा चेक करने के बाद वो 44 तक माइनर वायलेशन्स है। वो लोगों FRRO ऑफिस में जाके जो उनका जो रेक्टिफाई कर सकते देयर रिक्वेस्ट में भी कंसर्न, बट वेर इज वो जो और 11 लोगों हैं, 11 लोगों का मेजर वायलेशन्स है, ये पूरा सोमालिया, सूडान और बिनिन एंड गयाना ये 4 कंट्रीज वाले हैं। उसमें तो आदमी भी ये मेजर क्रिमिनल केसेस में भी है, फेक पासपोर्ट फेक वीसा से इधर आ गया, वो लोगों को भी केस इश्यू करके फिर लीगल प्रोसेस जो है। और 11 मेंबर्स में एक पूरा लोगों को उनका कंट्री को डिपोर्टेशन है। जो हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है जो घर ओनर्स के लिए पूरा लोगों कभी भी फॉरेनर्स को जो किराए रेंट को दिए जो समय में ऑनलाइन में एक सी फॉर्म रखना उसमें पूरा एंट्री करना पड़ेगा। जो एंट्री होने के बाद अगर वो लोग खाली करें तो पूरा एंट्री करना पड़ेगा। जब जो फॉरेनर कहाँ हैं उनका स्टेटस क्या है मालूम होने का चांस रहेगा। जो बहुत लोगों की ओनर्स की ये सी फॉर्म मालूम नहीं है वो मालूम कर लेना, जो मालूम करके वो सी फॉर्म में पूरा इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। अगर फिर अगर ये वायलेशन करे तो जो हाउस ओनर के ऊपर केसेस भी रजिस्टर होते हैं, जो दिए सो समय में उनको फॉरेनर को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है नहीं देख के देना पड़ेगा, वो भी पूरा सी ऑनलाइन सी फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा।